हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रैकिंग ब्लॉग। और करते भाई आज का ब्लॉग यहाँ घर से स्टार्ट। तो निकल रहे भाई घर से अपनी गाड़ी लोड करने के लिए। तो आज भरेंगे वापी के लिए मिर्ची, जो हरी मिर्च आती भाई वही भरेंगे। तो निकलते भाई घर से। और जिस जिस भाई ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर भी जा करके फॉलो कर दो। आईडी का नाम भाई दोनों का सेम है, यूट्यूब का भी और इंस्टाग्राम का भी, विक्की ट्रैकिंग ब्लॉग। तो अभी पहुंचे हैं निवाली। तो घर से निकल के आए थे भाई, अभी कुछ सामान लेना था तो वो ले रहे थे अनिल भाई। तो आ गए अनिल भाई, भी आ गए हैं ये रे। तो ये है भाई निवाली मार्केट, देख सकते हो। और ये वाला रोड है भाई सीधा, आपको मैंने कई ब्लॉग में बताया है, लेकिन जो इस साइड से आता है भाई तो उनको सेनवा बॉर्डर और सेनवा का एक टोल टैक्स बच जाएगा। अगर इधर से जाना चाहो तो आप जा सकते हो सीधा राजपुर, बलसुत राजपुर से सीधा जुलवाना निकलता भाई, इधर कोई टोल और कोई बॉर्डर नहीं आएगी। तो वही वाला रोड है ये, और पीछे सेनवा का रोड। बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है इसलिए गोली ले ली है, अब गोली खाएंगे फिर गाड़ी चलाएंगे। तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, बस ये गोली दवाई लेना था इसीलिए रुके थे भाई। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं खेत में अपनी गाड़ी लोड करने के लिए, और गाड़ी इधर की भाई रोड पे ही खड़ी। और ये माल डलेगा भाई, देख सकते हो मिर्ची अपनी गाड़ी में। तो देख सकते हो भाई ये वाली मिर्ची डलेगी और भर के जाएंगे अपनी गाड़ी। आधा माल यहाँ से डलेगा और बाकी तीन चार जगह और डलेगा। तो सारे भाई लोग भी आ गए, ये रहे है। तो यही भाई लोग है लोड करने वाले अपनी गाड़ी को। तो ठीक है गाइस, करते अपनी गाड़ी लोड और मिलते थोड़ी देर बाद आपको। तो यहाँ पे वेट करेंगे और भैया इधर काउंट करेंगे, डायरी में चढ़ाएंगे वेट। और बस पहला कट्टा डल चुका अपनी गाड़ी में भाई। तो गाइस एक खेत में तो माल डाल लिया, अब दूसरे खेत में आए हैं और करीबन अपनी गाड़ी में दो छली लग चुकी है, देख सकते हैं आप। और काफी है यहाँ पे भी माल, बहुत सारा है। तो इस साइड भी पड़ा माल, उस साइड में पड़ा हुआ देख सकते हो। तो गाइस भाई लोगों को देख सकते हो फुर्ती कितनी है, कितनी जल्दी माल डाल रहे फटाफट तोल के। और बाकी भाई ऊपर दो है तो वो जमा रहे हैं, और एक भाई ले जा रहा है यहाँ से, दो भाई उठा के काटा करके दे रहे हैं। तो भाई इनको भी जल्दी है क्योंकि भाई फटाफट गाड़ी भरे और अपनी गाड़ी टाइम पे छूट जाए तो मंडी भी टाइम पे लग जाएगी, तो इनका भी टेंशन खत्म और अपना भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं गाड़ी भर के अपनी गाड़ी, और खेत में से तो आ गए भाई और इनके ऑफिस पे आ गए। तो बिल्टी विल्टी लेते भाई, तो सारे भाई लोग ये रहे तो बिल्टी विल्टी भी मिल चुकी है हमको। तो इनको बाय बाय करने का टाइम आ गया भाई। तो भाई लोग करते हैं आप लोगों को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं भाई अगली बार, है ना? ठीक है भाई निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये रही अपनी गाड़ी की बॉडी लेवल मिर्ची आई है, देख सकते हो। एक बार आपको बता दूं निकलने से पहले, तो ये देख सकते हैं भाई बॉडी लेवल माल हो चुका है और पूरा डस्टन हो गया भाई। तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहुंचे अभी पेट्रोल पंप पे, तो भाई अपनी गाड़ी में डल रहा है डीजल, तो डीजल वीजल डलवा लेते भाई करके। रुके थे यहाँ पे वाकाचा रास्ते से थोड़ा सा आगे, खाना खाने का टाइम नहीं है हमारे पास में क्योंकि भाई अपनी गाड़ी में मंडी का माल भरा हुआ है। तो ये पपड़ी ले ली भाई हमने, तो देख सकते हो, तो इसी का नाश्ता कर रहे हैं भाई अभी फिलहाल में। तो चलते गाड़ी में नाश्ता कर रहे भाई, क्या करे आज तो बस नाश्ते के भरोसे चलना पड़ेगा ना पूरी नाइट। और भाई पहुंचे है अभी व्यारा, गुजरात वाला व्यारा। और भाई देख सकते हो दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से चल रही भाई, कैसे सजाया है पेट्रोल पंप को देख सकते हैं भाई। तो भाई जहाँ गाइस रुके हैं थोड़ा सा आगे क्योंकि अपने गाड़ी के टायर वायर चेक कर लेते भाई, तो टायर चेक कर रहे थे तो देखते हैं गिट्टी वगैरह, क्योंकि गिट्टी की आवाज आ रही थी भाई। तो हे भाई एक गिट्टी ये रह लगी। बस इसमें तो कुछ नहीं है, और पीछे वाले भी टायर चेक कर लेते हैं तो गिट्टी घुसी हुई है भाई, देख सकते हैं। तो
चलो भाई करते हैं पहले गिट्टी वगैरह टायर वगैरह अपने चेक कर निकलते हैं यहाँ से। और देखा होगा पीछे नाश्ता किया था हमने, तो उस नाश्ते से कुछ नहीं हुआ तो लग रही भूख भाई। रोटी तो रोटी होती है यार, पर क्या कर सकते भाई, मंडी का माल है तो खाना खाएंगे तो टाइम हो जाएगा यार। तो इसीलिए भाई नाश्ता ही करेंगे, चाय नाश्ता कुछ भी करेंगे, आगे रोकेंगे कहीं होटल देख के। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, करते हैं अपने टायर चेक। टायर के साथ साथ भाई पीछे की जाली भी चेक कर लेते करके, क्योंकि भाई कभी रस्सा टूट गया तो माल गिर सकता है नीचे। तो फाइनली दोस्तों रोके यहाँ पे उनाई में गाड़ी अपने, तो पियेंगे भाई यहाँ पे चाय और करते हैं नाश्ता वास्ता भी कुछ। तो भाई ली है चाय और एक रोट लिया है भाई, तो करेंगे चाय और नाश्ता इसी के साथ में भाई। अनिल भाई तो अपना सोया है अभी, अनिल भाई को उठाएंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने बोला उसको नाश्ता कर ले चाय पी ले भाई, तो वो बोले मेरे को सोने दे यार भाई अभी सोने दे, तो उसको सोने दिया मैंने। तो गाइस अनिल भाई भी उठ चुके हैं और लगी थी मुझे भूख, तो मैंने नाश्ता ले लिया था वहाँ चाय के साथ में, और कुछ इनके लिए भी ले आया था मैं। तो ये ले आया था चिप्स, क्या है भूख लगी यार भाई, खाना भी खाया आज, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, सोया था तो वापस उठ गया खाने के लिए। नींद ही नहीं आ रही होगी ना? नहीं आ रही, भूख लगी थी, खाली पेट भाई, खाली पेट नींद ही नहीं आती है, तो वो तो आपको भी पता है, आप कभी भूखे रहे होंगे तो आपको पता होगा भाई खाली पेट कभी भी नींद नहीं आती यार। तो सोया था अपना अनिल भाई, तो इसे नींद नहीं आई तो ये वापस उठ गया। बस अभी मैं चाय पी के निकला ही था और इसके लिए मैंने नाश्ता भी ले लिया था ये चिप्स। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हम चिखली गुजरात वाला भाई, और यहां से बस नेशनल 8 नंबर हाईवे लगने वाला है। और भाई देख सकते हैं लाइटिंग कितनी प्यारी प्यारी से लगी हुई है। तो ब्रिज के साइड में ही चल रहे भाई हम, ये जो साइड में ब्रिज आपको दिख रहा होगा ये नेशनल 8 नंबर हाईवे है। तो चिखली पहुंच चुके भाई और रात के बज रही भाई 2, तो यहाँ से तो रोड बढ़िया ही लग गया है। तो काफी रश है यार इस रोड पे, काफी गाड़ियां चलती है क्योंकि भाई ये बड़ा हाईवे है ना, बम्बई से डायरेक्ट दिल्ली निकलता है और आगे उधर जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा सब तो निकल जाता है ये रोड। भाई रश देख रहे हो टोल पे, देख सकते भाई ये है वापी टोल, तो काफी भीड़ भड़ाका लगा है भाई। तो देखते हैं अपनी गाड़ी कौन सी लाइन में ले, इसी साइड में लेंगे भाई, उस साइड में तो ज्यादा ही भीड़ भड़ाका लग रहा है मुझे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं वापी मंडी में, और भाई रात की बज रही है 3, तो अपनी गाड़ी लगा दी, मंडी टच कर दी भाई। और बताता हूं आपको, अपनी गाड़ी का माल भी उतरना चालू हो गया देख सकते हो आप, तो अभी माल क्रॉसिंग हो रहा है उस साइड वाली छोटी गाड़ी में, मतलब गाड़ी लगते से ही माल बिक गया भाई देख सकते हो। तो गाइस ये वाली जो मंडी है पूरी बाईपास पे है, वापी 4 रास्ते से थोड़े से आगे एक ब्रिज पड़ता बम्बई साइड में, उस ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेके आएंगे तो देख सकते हो ये रहा है ऊपर गाड़ियां जा रही, वो ये बाईपास है भाई, तो बिल्कुल बाहर कर दी मंडी। और मंडी में भाई अभी अभी बनी है नई, तो देख सकते हैं मंडी का व्यू चेक करो भाई। और यहाँ रही अपनी गाड़ी और इधर रहे हमारे अनिल भाई, अभी अभी उठे हैं। मैंने गाड़ी पूरी खींच के मैं खुद ही लाया हूँ भाई, अनिल भाई तो बिल्कुल सोया था अभी उठाया। और भाई मैंने उठाया भी नहीं इनको, इसीलिए भाई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी इसीलिए मैंने इनको भी उठाया नहीं। तो ये है मेन गेट भाई, और काफी ट्रक वाले भाई अपने छोटी बड़ी गाड़ी वाले, देख सकते हो कितनी सारी गाड़ी आई है, माल खाली करके खड़े हैं बहुत से भाई बाहर। तो भाई ये रहा बाईपास, देख सकते हो गाड़ियां जा रही है ब्रिज के ऊपर से, तो वापी बाईपास पे ही मंडी बनी है, तो बहुत ही मस्त लगी मुझे तो। और अगर हर मंडी ऐसी बाहर कर देना तो बहुत ही बढ़िया होगा, हो जाए गाजा वाले के लिए, क्यों अनिल भाई? बहुत सी मंडियां तो ऐसी भाई कि सिटी के अंदर जाना पड़ता है और वहां पे नो एंट्री रहती है, तो बहुत दिक्कत आती है भाई गाड़ी ले जाने लाने में, और ऊपर से भाई ट्रैफिक वाले भी पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं यार कभी कभी तो, बहुत सी जगहों पे क्यों करते हैं ना, बहुत ही परेशान करते हैं यार भाई, तो ऐसा मत करा करो यार, हम भी रात दिन आंखें फोड़ के देखो नींद काट के मेहनत करके भाई गाड़ी लेकर के आते हैं, और फिर आखिर भाई
आप पुलिस वाले ट्रैफिक वाले ऐसे मिल जाते तो फिर ऐसे पैसे लूटते भाई, ऐसे मत करो यार, हमारे भी बाल बच्चे हैं क्यों अनिल भाई, तो बहुत मेहनत करते यार भाई, ऐसा कभी ना करे यार। कब लोग कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, क्योंकि आपका भाई ऐसे ट्रक के बारे में वीडियो लेकर के आता रहता है। और भाई भाड़ा बता दो आपको, आप भाड़ा पूछते रहते हो, तो भाड़ा लगा था भाई शहादा महाराष्ट्र से वापी गुजरात के लिए 11,500 रुपए भाड़ा लगा भाई, और खर्चा हो गया 6,500 का डीजल डाला मैंने, और 1,000 रुपए टोल टैक्स हो गया, 500 रुपए ट्रांसपोर्ट कमीशन, और 500 रुपए समथिंग 500 के अंदर ही हुआ होगा हमारा खर्चा, इतना तो नहीं हुआ, अनुमान लेके चले कि 500 रुपए खर्चा हुआ हो गया। ऐसा करके भाई टोटल खर्चा हो चुका 8,500 रुपए खर्चा हो गया भाई, और 8,500 रुपए में 11,500 माइनस कर लो तो बचेंगे भाई 3,000 रुपए, तो देख सकते भाई ये कमाई है क्या कर सकते हैं 3,000 रुपए बचे, लेकिन भाई क्या करे आना पड़ता है, क्योंकि भाई इधर उधर से तो जो आए है वो खर्चा ही हो जाएगा पैसा, 3,000 रुपए बचे है, इधर से कुछ भर के जाएंगे उसी में भाई 2 पैसा बचेगा, तो इधर से डायरेक्ट भरेंगे इंदौर के लिए, और या तो फिर जहाँ के भी माल मिलेगा जहाँ का भी तो लोड करेंगे अपनी गाड़ी। तो करते हैं भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई करते हैं आप लोगों को टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।